बोलो सियावर रामचंद्र की। हो चुके हैं श्री प्रभु श्री राम लला जी के दर्शन। गाइस आज फिलहाल अच्छे से दर्शन हो पाए हम लोगों के, और तमिलनाडु से आई ये यात्रा भी आज हम लोग अच्छे से दर्शन कर पाए। हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मदर ब्लॉग। गाइस कैसे आप सभी, आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो इस वाले ब्लॉग की शुरुआत हो रही फिर से अपने घर से, बट गाइस रैंडमली प्लान बना है, आज हम लोग जा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल अभी यहां से जल्दी जल्दी निकलते हैं और पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। घर से निकलते ही कुछ मीठा हो जाए तो इसलिए हम लोग मीठा पान बनवा लिए यहाँ से, अब खा पी के सारे लोग और निकलते हैं अच्छे से और पहुँचते हैं अयोध्या। पेट्रोल पंप से फिल अप करवा लिया है, मतलब गैस भरवा ली, सीएनजी भरवा ली है गाड़ी में, अब यहाँ से निकलते हैं अयोध्या के लिए। फिर पहुँच के अयोध्या डायरेक्टली वहीं के सीन आपको दिखाते हैं सब। गाइज अभी रास्ते में रुके हुए हैं एक सिनेमैटिक लेने के लिए, ये वाला सिनेमैटिक वीडियो में डालेंगे एक रील के लिए। और आगे ठीक है गाइज, तो अभी फिलहाल एक शूट कर लेते हैं वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे। ये आ रही गाड़ी, अभी रास्ते में एक ढाबे पे रुके हुए हैं कुछ खाने पीने के लिए, खा पी के उसके बाद में फिर निकलते हैं अयोध्या धाम के लिए। A few moments later. तो हाँ जी गाइस, अभी फिलहाल फुल पावर खाना पीना खा के अब निकल रहे हैं यार। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया का राम राम। लोगों ने यहाँ पार्किंग में लगा दी गाड़ी, अब उसके बाद टैक्सी से हम लोग जाएंगे श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए। फिलहाल बैठेंगे हाँ इसे करो एक बार इसे, जय श्री राम। गाइस अभी टैक्सी से उतर के बस 200 मीटर दूर है यहाँ से राम मंदिर, तो हम लोग फिलहाल राम मंदिर दर्शन करके उसके बाद में सब कुछ आपको अच्छे से बताते बढ़ गए। यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें डेवलप होना बाकी रह गया है। गाइस बस सामने हम लोग जस्ट आ चुके हैं श्री राम मंदिर के द्वार पे, तो हम लोग फिलहाल यहाँ से एंट्री करेंगे और उसके बाद में फिर मिलते हैं आपसे सीधा राम मंदिर के अंदर। और जय श्री राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। राम ललाट पे शोभित चंद्र, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम
जहाँ पे अब हम लोगों ने चप्पल वगैरह जमा की थी, अब वहाँ से चप्पल जूते सब ले लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं अब घर के लिए। हम नहीं शायद से हनुमानगढ़ी जाएंगे, उसके बाद जहाँ कहीं आगे जाएंगे वो सब चीज़ें। तो गाइस फुल पावर दर्शन हो चुके, बहुत अच्छे से दर्शन हुए प्रभु श्री राम के। अब इसके बाद में हम लोग शायद हनुमानगढ़ी जाएंगे। हम लोग फिलहाल राम मंदिर से दर्शन करने के बाद पैदल पैदल रास्ता करके अब हम लोग आ चुके हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी दर्शन करके ले लिया प्रसाद, प्रसाद चढ़ाते हैं अंदर, फिर मिलते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। जय सियाराम, सियावर रामचंद्र की। जय श्री राम, जय श्री राम। बिहारी राम सियाराम। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बहुत जल्दी। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी दर्शन हो जाएंगे, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बट अभी हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। नेक्स्ट लेवल की बाइक आ रही है अपने लोगों के साथ, तो
यहाँ से निकलते हैं। गाइस अभी हम लोग राम मंदिर से दर्शन करके गाड़ी की तरफ जा रहे थे, बट आप लोगों के लिए एक टारगेट है कि हम लोग जिस चौराहे पे खड़े हैं पीछे बैक के अंदर से दिखा रहे हैं, उस चौराहे का क्या नाम है आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना। और ये भी बताना ये वाला कैसा लग रहा है, और ये जो चौराहा है ये कौन सा चौराहा है कॉमेंट में बताना आप लोग जरूर से। नमस्कार नमस्कार। गाइस सभी लोग दर्शन करके अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, तो बोलो जय श्री राम जय श्री राम। तो हाँ जी गाइस फाइनली 12:30 बज चुके हैं रात के, बट हम फाइनली आ चुके हैं घर पे, भी खाना पीना खाया है बस, और उसके बाद में अब जा रहे थे लेटने और ब्लॉग एडिट करने के लिए बस बैठे थे। बट गाइस जो लिटरली मैं था अब घर आने के बाद जो अयोध्या की वाइब्स हैं वो आप लोगों से शेयर कर पा रहा हूँ भाई, एक नंबर पॉजिटिव वाइब्स आई। बाकी हम लोगों का ये सेकंड टाइम राम मंदिर जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से हम लोग दूसरी बार जा चुके हैं, बट गाइस इस बार की जो नेक्स्ट लेवल थी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि गाइस इस बार जो थी वो बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। इस समय प्रॉपर आप लोग दर्शन बहुत अच्छे से पा जाएंगे, क्योंकि दोपहर के टाइम अगर जाते हैं तो अगर मंदिर खुला है तो आप लोग बहुत अच्छे से दर्शन पाएंगे, ये एक सही समय है राम मंदिर दर्शन करने का। और भाई साहब और स्टोरी डाली थी मैंने, उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि भाई आपका फ़ोन कैसे अलाउ हुआ, फ़ोन कैसे अलाउ हुआ। आने वाले एक अंकल थे वहाँ पे, उनकी ड्यूटी थी, इस वजह से हम लोग फ़ोन लेके, एक फ़ोन हमारा वाला जो था उसमें ब्लॉगिंग करनी थी इसलिए वो वाला अंदर जा पाया था। उसके लिए हमने ना कोई पास बनवाया था ना कुछ भी, वो फ़ोन बस केवल ऐसे ही ऊपर वाले की कृपा थी, तो इसलिए हम अंदर लेके जा पाए थे। बट गाइस अंदर फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब ब्लॉग डालेंगे लोग तो बोलेंगे, ब्लॉग डालने के बाद कमेंट करेंगे कि ये यहाँ वहाँ पे पुलिस वालों का लिया या ऐसे वैसे लिया है, तो भाई वो किसी का फ़ोन नहीं था बल्कि मेरे खुद के फ़ोन में 6-7 लोगों ने फोटो क्लिक करवाई थी। और गाइस ये वाला ब्लॉग जो है यहीं पर एंड कर देंगे। और गाइस एक और उससे पहले एक बात ये कि हनुमानगढ़ी जब आप दर्शन करने जाएंगे तो इस बार जो हनुमान चालीसा में नए चेंजेस आए हैं, हनुमान चालीसा पुराने टाइम पे गलत लिखी गई थी ऐसा लोगों का मानना था, बट जो हनुमान चालीसा जब आप लोग हनुमानगढ़ी दर्शन करके जैसे ही जस्ट बाहर निकलेंगे उसके बाद वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ वहाँ पे एकदम एक अच्छी सी हनुमान चालीसा जो हम लोगों को पढ़ने लायक है वो हनुमान चालीसा, एक ये स्क्रीन पर फोटो आ रही होगी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ये वाली हनुमान चालीसा पढ़िए, यही वाली हनुमान चालीसा एकदम सही है। बाकी आप लोग इसको और पुरानी वाली हनुमान चालीसा को मिलाएंगे, इसमें बहुत से चेंजेस आएंगे। तो ये वाला ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। जय श्री राम।